आप कोई भी क्वेश्चन कर पाते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है? जब अभी यहीं से पता चल जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट कि कुछ बहुत ज़्यादा एडिशनल नॉलेज की हमें ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है एडिशनल नॉलेज की, जो सिंपल जितना नोट्स में उतनी नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक है? बोलो फर्स्ट का आंसर, आयुष फर्स्ट का आंसर, अब चार ऑप्शन देख के ये भी नहीं समझ में आता कि क्या करना है ना? ये चार ऑप्शन बी, ठीक है? लॉजिक बता क्यों? चलो आज मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, क्वेश्चन कम ही करने, तो मैं बताता हूँ। टू चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल हेलिकल पाथ इन ए कम्प्लीटली अपोजिट सेंस, इन ए कम्प्लीटली अपोजिट सेंस लाइक दिस, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, पाथ आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने का मतलब इनके जो स्पीड के कंपोनेंट है वो सेम होंगे, स्पीड के कंपोनेंट सेम होंगे, राइट? लेकिन व्हाट विल हैपन, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो दोनों पे चार्ज अपोजिट होना चाहिए, ठीक है? आइडेंटिकल पाथ है तो स्पीड तो सेम हो गई, ठीक है? रेडियस किस पे डिपेंड करता है? एम वी अपॉन क्यू बी, ये पैरेलल कंपोनेंट तो सेम हो गए, ठीक है? तभी तो आइडेंटिकल पाथ होगा। अब रेडियस सेम होने के लिए क्या क्या सेम होना चाहिए? वी सेम होना चाहिए, खाली क्यू से कैसे काम चलेगा? एम बाई क्यू सेम होना चाहिए, एम बाई क्यू सेम होना चाहिए, राइट? यानी एम वन बाई क्यू वन शुड बी इक्वल टू एम टू बाई क्यू टू, एंड क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, सो देन दिस आंसर विल बी ट्रू, ठीक है? सो इट इज व्हाट लाइक स्पेसिफिक चार्ज पे, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि कर्वेचर किस पे डिपेंड करता है, ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना मास पे डिपेंड करता है, वो स्पेसिफिक चार्ज पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास। अब देखो, दे हैव इक्वल मोमेंटम, दे हैव इक्वल जेड कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है? दे मस्ट हैव इक्वल चार्ज, इक्वल चार्ज होगी तो इक्वल मास भी होना चाहिए, तो नॉट नेसेसरी। दे नेसेसरीली रिप्रेजेंट पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर, वॉट इज पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर? मास सेम चार्ज अपोजिट, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, पार्टिकल एंटी पार्टिकल मीन्स मास सेम चार्ज अपोजिट, ठीक है? तो क्या नेसेसरीली नहीं है, दे कैन बी, वो होंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उनका होना जरूरी नहीं है, राइट? ठीक है बच्चों, नाउ सेकंड, बायोट सेवर्ट इंडिकेट दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट, ठीक है? अब बायोट सेवर्ट लॉ आपको पता होना चाहिए क्या है, बायोट सेवर्ट लॉ बोलो पहले, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन 4πr³, वैक्टर फॉर्म में ये होता है, ठीक है? अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू देम, सो डी बी इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू आई डी एल, ठीक है? और आई डी एल की डायरेक्शन वही होगी जो वी की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज के, करंट की डायरेक्शन वही होगी जो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन होगी, तो बी परपेंडिकुलर टू वी, राइट? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन विद सेंटर एट द ओरिजिन, हाफ ऑफ द लूप विद एक्स ग्रेटर देन जीरो इज नाउ बेंट सो दैट इट नाउ लाइज इन वाई जेड प्लेन, ठीक है? ओके, अगर ये पूरा एरिया मैं ए लूँ,
मोमेंट कितना हो गया, ए आई, डाइपोल मोमेंट होता है एन आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न, करंट एरिया, तो नंबर ऑफ टर्न तो एक ही लूप है, तो आई इंटू ए, राइट। अब हमने क्या किया, इतने पोर्शन को ऐसे लपेट दिया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर टू दिस? तो अब इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट तो ये हो गया, ये वाला तो खत्म हो गया है ना, ये वाला पार्ट, तो इसका डायपोल मोमेंट हो गया ए बाई टू। ये अगर एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है ना, तो ए बाई टू आई के डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसको हमने ऐसे लिया तो ये वाई जेड प्लेन में आ गया, ये वाई जेड प्लेन में, और अगर वो वाई जेड प्लेन में है तो डायपोल मोमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी एक्स डायरेक्शन में। तो प्लस ए बाई टू आई इंटू आई कैप, ठीक है। अब ए बाई टू परपेंडिकुलर हो गए तो कितना हो जाएगा, इसका नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बाई टू आई स्क्वायर प्लस ए बाई टू आई स्क्वायर, तो ये आएगा पूरा मिला के ए बाई रूट टू आई, नया डायपोल मोमेंट। सो दैट मीन्स कम हो गया, तो दिस विल बी द आंसर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट नाउ डिमिनिश, डिमिनिश मीन्स कम हो गया, ठीक है। फोर्थ, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ये हमारा सोलेनॉइड है, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और यही एक्सिस है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है। अगर मोशन और बी की डायरेक्शन सेम है तो फोर्स जीरो, फोर्स जीरो, तो इट विल कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, इट विल कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। कौन सा आंसर हो गया, डी। हो गया ना फिफ्थ, फिफ्थ भी सिक्स्थ भी दोनों का। सर हाँ सैकेट्रोन तो हट गया ना? हाँ हट गया, तो सर वो वाला छोड़ दो, नेक्स्ट कर लो। सिक्स, अ सर्कुलर करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इन एन आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द वर्क डन टू रोटेट द लूप बाय 30 डिग्री अबाउट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखो वर्क डन कितना होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ये होता है। इसमें हमको दो एंगल चाहिए और हमको एक ही एंगल दे रखा है, दूसरा एंगल तो दे नहीं रखा, एक ही एंगल दे रखा है, तो थिंक ऑफ जीरो, क्योंकि बिना दो एंगल के निकलेगा नहीं, सो थिंक ऑफ जीरो, और आंसर जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये लूप जब ऐसे रोटेट करते ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे, तो होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो उससे नहीं होता, ठीक है। परपेंडिकुलर टू प्लेन देखो वर्क करता है टॉर्क, वर्क होता है टॉर्क से, ठीक है।
ये अगर लूप है, ये इसका डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक है, और हमें रोटेट भी इसी एक्सिस से कराना है, टॉर्क भी इसी में हो गया, एम भी इसी में हो गया, तो इसमें हमेशा वर्क डन जीरो होगा क्योंकि टॉ इज इक्वल टू कितना होता है एम बी साइन थीटा, तो थीटा जीरो हो गया, टॉर्क जीरो हो गया, तो वर्क डन हमेशा जीरो होगा, राइट right? ये एक जनरल वो है कि जब आर्बिट्रेरी बोला है ना, आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन, आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन मतलब कहीं से भी लो 30 डिग्री, तो कहीं से भी 30 डिग्री में तो अलग अलग काम होगा, हमेशा अलग ही होगा, अगर 60 से 30 पे आएंगे तो अलग होगा, 90 से 60 पे आएंगे तो अलग होगा, 0 से 30 जाएंगे तो अलग होगा, माइनस 30 से 0 आएंगे तो अलग होगा, तो हर केस में अलग वर्क होगा, राइट, सो दैट्स व्हाई इट्स आंसर विल बी 0, ठीक है. Now, 7, gyromagnetic dipole moment in nth orbit. NEH upon 4 pi m, that is dipole moment of electron in nth orbit. Ye hota hai gyromagnetic ratio, that is dipole moment upon angular momentum. Right? To ab isse laga lo. The gyromagnetic ratio is independent of orbit, kyunki E upon 2 m hi hai. नेगेटिव होगा क्योंकि चार्ज ऑन ई इज नेगेटिव, इंक्रीज विद द क्वांटम नंबर एन क्यू है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है, ई अपॉन टू एम ई होता है, फिक्स है, ठीक है, ये दो होंगे, नहीं आएगा ना क्वांटम नंबर, कहाँ से आएगा इसमें, ये डायपोल मोमेंट का है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ओके, सो द आंसर इज ए एंड बी, ठीक है बच्चों, हो गया, नेक्स्ट, एट्थ, एट्थ नाइन्थ, consider a wire carrying a steady current I placed in a uniform magnetic field perpendicular to its length. Magnetic field is perpendicular to length. ये हमारा वायर हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, राइट, कंसिडर द चार्ज इन साइड द वायर, इट इज नोन दैट मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क, डू नो वर्क, दिस इंप्लाइज दैट मोशन ऑफ चार्ज इज अनइफेक्टेड इनसाइड, दे डू नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी, नहीं, मोशन इज नॉट अनइफेक्टेड, मोशन मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स लगाती है, सो दैट विल रिमेन इफेक्टिव, सम चार्ज इनसाइड द वायर मूव टू द सर्फेस एज ए रिजल्ट ऑफ बी, देखो अगर चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं तो ऐसे सरफेस की तरफ मूव करेगा, लाइक ये सिलेंडर है, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स ऐसे ही ऐसे लगेगी, तो चार्ज किधर जाएगा, सरफेस की तरफ, ये कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, द फर्स्ट ऑप्शन मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज अनइफेक्टेड, ऐसा नहीं होता, द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है फोर्स ऑन चार्ज, तो अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई फोर्स ऑन चार्ज, तो वो मोशन तो इफेक्ट करेगी, सेकेंड सम चार्ज इनसाइड द वायर मूव टू द सर्फेस एज ए रिजल्ट ऑफ बी, सरफेस मतलब ऐसे, ये अगर सिलेंडर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, करंट ऐसे, तो फोर्स इधर या इधर लगेगी, तो देन चार्ज विल मूव टू द सरफेस, दैट्स करेक्ट, नेक्स्ट, इफ द वायर मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस,
इफ द वायर मूव अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ बी नो वर्क इज डन बाय द फोर्स. नहीं, दिस इज नॉट वैलिड फॉर द वायर. वायर पे जो फोर्स लगेगी दैट इज बी आई एल, दैट विल ऑलवेज डू सम वर्क. वो उसको मूव कराएगी ना. ठीक है, लाइक एक बार सुनो, ये दो कंडक्टर हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिकॉज ऑफ ईच अदर. तो दे मूव्स, दे मूव तो वर्क होगा मैकेनिकली. इफ द वायर मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी नो वर्क इज डन बाई द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आयन. हाँ, जो अंदर आयन्स है उनके ऊपर वर्क नहीं होगा. ठीक है, जो चार्ज होता है उसके ऊपर वर्क नहीं होता, बट कंडक्टर पे होता है. कौन कौन सा है इसका आंसर? हमने कौन कौन सा निकाला? बी एंड डी, है ना. नाइन्थ, ये क्या चीज है? नाइन्थ क्या है? एम्पीरियन लूप सिंपली ये होता है. ऐसे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये होता है ना. तो ये ऐसे ही होगा, वो बन गया होगा इनसे. ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एन नहीं होता, वो टाइपिंग मिस्टेक है. ये एम क्या चीज है ये नहीं पता. ठीक है, तो ये तो नहीं है ना. जो भी हो ये तो नहीं है. द वैल्यू ऑफ बी डॉट डी एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसेस ऑफ सी. लूप की सेंस से, यानी आप लूप कैसे एज्यूम कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता. ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर उस पर डिपेंड करता होता तो सारी जो भी चीज हम एज्यूम करते हैं तो उसमें लिबर्टी होती है ना, आप कैसे एज्यूम कर रहे हो, तो इसलिए उस पर डिपेंड नहीं करता. There may be a point on C where B and DL are perpendicular. There may be a point segment. तो लूप कैसे है? टू आइडेंटिकल कोएक्सियल लूप है. ये ऐसे है लूप, हो गए ये एक्सिस सेम हो गई. ठीक है, और एक सिंपल एम्पिरिकल लूप पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम वंस, तो वो लूप हमारा ऐसे हो जाएगा. राइट, तो जब ऐसे हो गया तो इन लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी. राइट, आप इसको कैसा भी ले लो, किसी भी शेप में ले लो, एक पार्ट तो इसके परपेंडिकुलर आएगा ही आएगा. ठीक है, सो कहीं ना कहीं बी और डी एल तो परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे, एक पॉइंट पे तो होंगे, क्योंकि क्लोज है ना. क्लोज है तो अगर हम सर्कुलर भी लेंगे तो भी, रैंडम लोगे तो भी. ठीक है, बी वैनिशेज एवरीवेयर ऑन सी, ये गलत है. बी वैनिशेज एवरीवेयर ऑन सी मतलब हर सी के, इस लूप के हर एक पॉइंट पे बी नहीं है. ठीक है, सो बी एंड सी आर ट्रू. ओके, नेक्स्ट टेंथ. मुश्किल होता है इसके क्वेश्चन, है ना. इलेवन तो हमने किया हुआ है, पहले टेंथ तो कर लो. A cubical region of space is filled with some uniform electric and magnetic field. An electron enters the cube across one of its face with velocity v, and a positron enters via opposite face with velocity minus v. ये cube हो गया, इसके अंदर कुछ electric field है, कुछ magnetic field है. एक electron है ना, इधर से गया और एक
अपोजिट फेस है ना, इंटर्स वाया एक पॉजिट्रॉन ऐसे आया है ना, तो ये वी है तो ये माइनस वी हो गई है, तो ठीक है अपोजिट डायरेक्शन हो गई। नाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द बोथ पार्टिकल कॉजेज आइडेंटिकल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि एंटी पार्टिकल है लेकिन डायरेक्शन अलग होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यू ई बाई एम, तो ये चार्ज पे डिपेंड करेगा, तो एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम होगा। सेकेंड द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स ऑन बोथ द पार्टिकल कॉजेज इक्वल एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फोर्सेस, हाँ मैग्नेटिक फोर्सेस नहीं, मैग्नेटिक फोर्स में क्या होगा सेम हो जाएगा क्योंकि चार्ज अपोजिट है तो डायरेक्शन भी अपोजिट है। मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी क्रॉस बी, अगर चार्ज अपोजिट है तो वेलोसिटी भी अपोजिट है, तो इसलिए फोर्स दोनों में एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा, राइट। तो मैग्नेटिक फोर्स दोनों में सेम होगी, मैग्नेटिक फोर्स सेम हो गई तो एक्सेलरेशन भी सेम हो गया। बोथ पार्टिकल गेन और लॉस एनर्जी एट द सेम रेट, चार्ज में मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड से ना तो एनर्जी गेन होता है ना एनर्जी लॉस होता है, जो एनर्जी गेन और लॉस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्योंकि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है तो एनर्जी चेंज भी सेम होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इसलिए सेम एनर्जी चेंज होगा, तो बोथ पार्टिकल गेन और लूज एनर्जी एट द सेम रेट। द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज डिटरमाइंड बाय बी अलोन, ये भी ट्रू है। क्या होता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कल में घुमाती है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कल में घुमाती है, तो क्योंकि वो सर्कल में घूमते हैं तो इस वजह से क्या होगा एग्जैक्टली जो पार्टिकल्स के सेंटर्स है ना वो चेंज हो जाएंगे, एक ऐसे घूमेगा एक ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो वो उस वजह से जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेगी, तो ये तीनों करेक्ट हो गए, ठीक है। नाउ 11th, अ चार्ज पार्टिकल वुड कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो गई तो भी कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकती है, इलेक्ट्रिक फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकती, मैग्नेटिक फोर्स के लिए डायरेक्शन भी चाहिए होती है, अगर डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो नहीं हो सकती, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो नहीं हो सकती तो इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी होगी, तो E नॉट इक्वल टू जीरो B नॉट इक्वल टू जीरो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, जो कि हम क्रॉस फील्ड बोलते हैं। E जीरो नहीं है B जीरो है तो पक्का फोर्स लगेगी लगेगी और वेलोसिटी चेंज होगी होगी, सो दिस विल नॉट बी द आंसर।